नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल RBSE विद HSM में। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा राजस्थान के समस्त राज्य के महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2021 से 2022 स्नातक प्रथम के संदर्भ में विभिन्न अपडेट्स जारी किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी अपडेट्स के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एडमिशन दी गई लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन का लिंक दिखाई देगा। दी गई लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें एक्सटेंशन ऑफ द डेट फॉर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग फॉर एडमिशन इन पार्ट फर्स्ट अप टू 14 सितंबर 2021 का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। समस्त राजकीय महाविद्यालय, विषय है स्नातक पाठ प्रथम वर्ष के लिए संशोधित ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया बाबत, संशोधित ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम स्नातक पाठ प्रथम, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना प्रारंभ तिथि बुधवार 18/8/2021 को, इसकी तिथि बढ़ा दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14/9/2021 अर्थात 14 सितंबर 2021 तक हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि होगी 17/9/2021। प्रथम वरीयता सूची का निर्धारण किया जाएगा एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी 20/9/2021 को। 20/9/2021 को प्रथम सूची जारी की जाएगी। मूल दस्तावेजों का सत्यापन व ई मित्र पोस्टिंग की अंतिम तिथि होगी 25/9/2021। अभ्यर्थियों द्वारा ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि है 27/9/2021। प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 29/9/2021 को होगा। प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन होगा 1/10/2021 को। महाविद्यालय में ऑनलाइन या ऑफलाइन स्नातक पाठ प्रथम शिक्षण कार्य होगा 2/10/2021 को। श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए संशोधित ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम, अगर कोई स्थान रिक्त रहता है तो ऐसी स्थिति में रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि होगी 29/9/2021 को। श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 5/10/2021। प्राप्त आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि होगी 6/10/2021। रिक्त स्थानों के लिए प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन होगा 8/10/2021। मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं ई मित्र पोस्टिंग की अंतिम तिथि होगी 11/10/2021। अभ्यर्थियों द्वारा ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि होगी 12/10/2021। प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन होगा 18/10/2021। नव प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन किया जाएगा 20/10/2021। संशोधित प्रवेश कार्यक्रम का सही माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। COVID-19 के मद्देनजर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया सुनिश्चित करें। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण जो संशोधित जो कार्यक्रम है जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमें क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के पश्चात हमें SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। जिस राज्य के महाविद्यालय में स्नातक में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके नाम यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं अजमेर। राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनकी सूची यहाँ मिल जाएगी और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी सूची भी यहाँ हमें दर्शाई होगी।
जिस कॉलेज के लिए हम आवेदन करना चाहते हैं उसका विवरण हम यहाँ दे सकते हैं। तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE विद अजय सम के साथ। जय हिंद, जय भारत।